मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पूरी दुनिया इस वक्त एक जानलेवा वायरस से लड़ रही है। कोरोना वायरस के चलते भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है और हमारी कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान आपका पूरा ख्याल रखा जाए। आपको तनाव से दूर रखने के लिए हमने पूरी तैयारी की है। घर बंदी में आज हमारे साथ जुड़ रही है भोजपुरी सिंगर कल्पना। दरअसल कल्पना भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी या यूं कहें कि सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर हैं और एक से बढ़कर एक सुपरहिट जो गाने हैं वो इनके खाते में हैं और भोजपुरी स्टार्स के साथ या यूं कहें कि ये लगभग काम कर चुकी हैं। तो लॉकडाउन के दौरान घर में बंद है सब कोई, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कल्पना। बहुत स्वागत कल्पना आपका जी बिहार झारखंड पर। नमस्कार। नमस्ते, कैसी हैं आप और कैसे कट रहा है आपका ये लॉकडाउन? मैं दरअसल आसाम में हूँ और सब लोग बस हाउस अरेस्ट है तो मैं भी हूँ, लेकिन कामकाज जो है वो चलते रहे ये कोशिश कर रही हूँ। खासकर जो भी बहुत सारे प्रोसेस ऐसे थे जो शूट होके रेडी था तो एडिटिंग पे हम घर के अंदर कर रहे हैं तो वही सब चल रहा है। बिल्कुल, कोरोना के काल में जब पूरा देश अपने अपने घरों में बंद है, कल्पना जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे अगर कुछ गाकर कह सके तो? पहले तो क्योंकि मैं गुवाहाटी में हूँ और कामाख्या माँ की धरती से मैं बात कर रही हूँ जी। भोजपुरी गायकी के थ्रू बहुत सारे अलग अलग फोक फॉर्म्स को गाने का अवसर मिला, चाहे वो नीम पेड़ के महत्व के बारे में हो या फिर छठ मैया हो या फिर नॉट ओनली भोजपुरी, बिहार फॉर मी बिहार इज ऑल अबाउट प्राइमरली फाइव लैंग्वेजेस डायलैक्ट्स। मगरी मैथिली है, भोजपुरी तो है ही, बज्जी का, अंगी का, तो मैं कल्पना देखिए मैं आपको यहाँ पर एक याद दिला दूं। दरअसल आप जब इन गानों का जिक्र कर ही रही हैं तो मैं चाहती हूँ शुरुआत भी उसी गाने के साथ हो जाए। ये गणेश के पापा, ये गाना गजब लोगों पे छाया था और कितने मिलियंस व्यू गए थे और इसकी सफलता आप पार रही थी। किसी भी शुभ चीज की शुरुआत हम करते हैं तो गणेश वंदना के साथ करते हैं, तो क्यों ना इस जुगलबंदी की भी शुरुआत इस गाने के साथ की जाए। जरूर जरूर, गणेश के पापा मैं गाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आप सबके लिए एक तैयारी करके एक सेटअप में हूँ तो मैं मुझे जय जय भूमि जो है हमारे कवि विद्यापति जी की रचना है थोड़ा सा मैं गुनगुना, उसके बाद गणेश पापा के समय में हमारे उस समय में कैसेट और सीडी का दौर था तो ये व्यूज और वो नहीं था, व्यूज का दौर अब चल रहा है। जय जय भैरवी विद्यापति। जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी सहज सुमुख वर दियो गसाउनी अनुगत गति पाया। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया, पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिए गोसाउनी, सहज सुमति वर दिए गोसाउनी अनुगत गति तो बासर रैन सवासन शोभित, बासर रैन सवासन शोभित चरण चंद्र मणि चूड़ा, चरण चंद्र मणि चूड़ा
कल्पना जी बहुत शानदार, और ये शानदार प्रस्तुति आपने विद्यापति को दी। और जाहिर सी बात है कि जब हम संगीत की बात करते हैं तो एक संगीत को माना जाता है कि संस्कृति का ये सेतु है, और आपने जैसे नॉर्थ ईस्ट के पूरे कल्चर को देखा, खुद आप असम से ताल्लुक रखती हैं, इसके बाद बिहार में इतने सालों तक काम किया, जाहिर सी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री मुंबई है वहां पर आप रहीं, इसके बाद झारखंड के अगर संस्कृति को देखें तो जिस तरीके से इस संस्कृति को हम रिलेट करते हैं गुवाहाटी के कल्चर से, असम के कल्चर से, उसमें संगीत का एक बड़ा योगदान है। तो आपका क्या कुछ काम है इस क्षेत्र में और कैसा आपका अनुभव है, वो थोड़ा शेयर करना चाहेंगे आप दर्शकों के साथ? जरूर, और मैं फिलहाल एक, ये तो एक यात्रा है भोजपुरी के साथ, मैं मेरा जुड़ाव जो है खासकर भोजपुरी के बहाने में पूर्वांचल के साथ जुड़ाव की बात करूंगी। इसमें झारखंड भी है, पहले झारखंड तो अलग था नहीं, तो संस्कृति संस्कृति से बंधा हुआ है भले ही राज्य अलग हो गया हो, और प्रदेश का भी एक पूर्वांचल का अंग है, तो तीन राज्यों का एक्चुअली एक समन्वय है, और साथ आसाम, तो चार राज्यों का कल्चर प्रमुख हिसाब से मैं काम कर रही हूँ, और अलग अलग लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स में मैं अब तक जा चुकी हूँ। तो आई थिंक ये जो भारतवर्ष को देखने का एक लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो अनेकता में एकता की बात कहा जाता है, उसको सांस्कृतिक रूप से मैंने भरपूर जिया है। मुझे लगता है ये एक बहुत एक सबको नहीं मिलता है मौका। मैं असम की बात आपने कहा है तो मैं चाय बागान की ओर लेके जाना चाहूंगी। भूपेन हजारिका ही कंपोजिशन है और टूर बोल के फोक फॉर्म है। और मैं एक बात आपको बोल दूं, झारखंड से ब्रिटिश काल में असम में जो भी लोग चाय बागान की जो कल्चर एक पनपा, वो झारखंड और उड़ीसा छत्तीसगढ़ से माइग्रेट, जो पलायन की बात इस बार तो बहुत भयानक रूप से दिखाई दिया, वो पलायन असम में भी हुआ झारखंड से। क्या बात, उनको का जो भाषा की जो आदान प्रदान हुआ उसके रूप में लेके जाना चाहूंगी, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी सुनाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतन बागीच में, ओ एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीच में, फूल के खिलखिलाते सब बरसाती हंस रही है कौन ये, ओ मोगरे जगाती, ओ मोगरे जगाती, ओ एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीच में, आदिवासी तो भाषा है।
पुदा छेर माझे तुलोशी अरे पातेर माझे पान अरे नारीर माझे चामेली पुरुष उधान अरे नारीर बिल्कुल कल्पना जी, यही तो आपकी पहचान है। कई भाषाओं को आपने एक कहते हैं धागे में पिरो करके लोगों के सामने रख दिया है। लेकिन बात भोजपुरी की भी अगर हम करें और जी बिहार झारखंड की जनता भी इंतजार कर रही होगी, जो वो सिंगर है वो आज निकल करके बाहर आया। और बात हम भोजपुरी की करें तो आप ही से जान लेते हैं कि भोजपुरी में कौन सा वो गाना है जो आपके दिल के बेहद करीब है, या फिर अपने फैंस को हमारे दर्शकों को वो गाना आप सुनाना चाहेंगी, चूंकि आपकी आवाज के तो सब कायल हैं बिहार में। ऐसे तो भोजपुरी को भोजपुरी से अलग होना तो नामुमकिन है, और क्योंकि वो एक परिचय है, सांस्कृतिक परिचय मेरा भोजपुरी बन गया है। जैसे आपने कहा ना हमसे भैया हो ना हमसे भैया पिसाइए गाने के पापा ओ नहीं हर जात बानी भुखाला कोमल हमार कलाई गाने के पापा साच कही बात मानी से लेके सिरवा पो मुकुट सो भेले लरा प बिंदिया शेर प सवार भेले भैरो जी के दीदिया। इस गीत को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, और फिर एक फिल्मी भी शुरू होती है जहाँ रोमांस सॉन्ग से लेके आइटम सॉन्ग बहुत सारे गीत गए। लेकिन फिलहाल क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम लोग मिल रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आर्टिस्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप कैसे जागरूकता जो लोग कलेक्ट है उसमें फैलाए, तो मैं करुणा के ऊपर एक गीत गाना चाहती हूँ, खास मैं लेके आई हूँ। ये मिर्जापुरी कजरी के ऊपर है, धूम बिल्कुल है। दादा दादा नर नानना फैलल बाबड़ की महामारी पिया रोग बड़ा भारी पिया करोना बीमारी पियाना एगो फैलल बाबड़ की महामारी पिया रोग बड़ा भारी पिया करोना बीमारी पियाना घर में रहा बाबाई महामारी पिया करोना बीमारी पिया रोग बड़ा भारी पिया ना तक कैले मोदी जी ऐलान भइल सड़क सुनसान भइल सड़क सुनसान भइल सड़क सुनसान सबका घर का बंद कैले बाके बारी पिया रोग बड़ा भारी पिया रोग बड़ा भारी पिया ना। ये बहुत लंबा है और मुझे पता है कि आपका ये गाना का शेड्यूल है, तो मैं गाते गाते आप प्लीज मुझे रोक दीजिएगा बीच में। जी जी, शायद बहुत कुछ बात करनी होगी तो आर्टिस्ट की गाते गाते तो, और आपकी आवाज भी ऐसी है कि हम भी खो जाते हैं वक्त का ख्याल, हालांकि किसी को नहीं रहता जब आपके गाने एक के बाद एक लगातार बजते चले जाते हैं, तो जिस तरीके से आपके फैंस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और इस वक्त जो कोई भी आपको सुन रहा होगा यही हालत कमोबेश होगी इस वक्त। थैंक यू सो मच। और मैं ये आपका जो मंच है, तो प्लेटफॉर्म है, इस मंच को मैं बहुत एक तो हम लोग आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट को नॉर्मली भोजपुरी में ये देखा गया है कि भोजपुरी गायिका मतलब मनोरंजन, जैसे गायिका का और कोई ब्रांडिंग हुआ ही नहीं है, ओनली एंटरटेनमेंट, तो दैट इज अ वेरी नेगेटिव ब्रांडिंग एक्चुअली। आई थिंक एंटरटेनमेंट इज इम्पोर्टेंट, बट आप क्या सोचते हो, आप समाज में क्या ऑब्जर्व करते हो, इसको साथ में लेके चलना मैं चाहती हूँ। तो मैं एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी, लॉकडाउन के बाद दिल्ली से खासकर जो पैदल एक यात्रा शुरू हुआ और कुर्बान एक नंगे स्वरूप में घूमी, वो एक सामने आया, और पलायन जो समस्या है मेरे गीतों में हमेशा रहा, जैसे घर है छुट्टी लेके और ये कुछ दिन रही है, कहती है बसे परदेश नगरिया जिया घबरा ना हो, ऐसे बहुत सारे जो परदेसी हमेशा रहा, लेकिन बहुत बहुत पीड़ा हुआ, बहुत पीड़ित हुई, बहुत ज्यादा पीड़ित हुई कि जड़ तक मैं कोरोना के बाद मैं सब लोगों से अपील करना चाहूंगी बिहार के झारखंड के और उत्तर प्रदेश के लिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ, कब से ये पलायन समस्या हमारे पूर्वांचल के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका सोल्यूशन अब तक क्यों नहीं निकाल पाए, क्या प्रॉब्लम है।
गवर्नमेंट की क्या इश्यूज है, ये सब के बारे में बात हो। तो मैं एक मजदूर वर्ग को लेकर, हमारे मजदूर भाइयों को लेकर गीत गाना चाहूंगी। बिल्कुल। भैया हो भैया मजदूर भैया, भैया हो भैया मजदूर भैया, कि हम बनन किसान, हम बनन किसान, कि हमर बेटा भूखल है सुते हो राम, फल हम जोतिला अन उपजा बिला, अनवा से भरल है गोदाम, अनवा से भरल है गोदाम, कि हमर बेटा भूखल है सुते हो राम, रुई हम धुनिला कपड़ा बना बिला, कपड़ा से भरल है दुकान, कपड़ा से है दुकान, कि हमर बेटा लौटे घूमे हो राम। बिल्कुल, बहुत खूब कल्पना जी। जाहिर सी बात है कि लगता है कि बिना किसी साज के जाप इतना अच्छा आप गा रही हैं कि लगता है बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते रहें, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी है। अगर ये सवाल किया जाए कि हिंदी फिल्मों का वो कौन सा गाना है, बॉलीवुड सॉन्ग जिसको हम कहते हैं, जो कल्पना को सबसे ज्यादा पसंद है? बॉलीवुड में मैं गाई हूँ, मैक्सिमम जो मनोरंजन की दिशा है उसमें गाई हूँ, लेकिन लास्ट है जिसको मैं याद रखती हूँ, बेगम जान का वो गीत मुझे पसंद है। और एक जिसपे तोरे कहारो डोली उतारो, पल भर को ठहरो तो जरा, दिल से लगाओ के बस एक दफा में, देने दो गुड़ियों को दुआ, तेरे बिंदिया निखर के चूड़िया बिखर के चुनरी में चहके, तेरा गजरा हो कारा गजरा हो प्यारा अंगना तेरा महके। मेरी लंबाई गीत है जी। इसके अलावा और कोई गीत चाहे हिंदी का हो या भोजपुरी का है जो आप गुनगुनाना चाहेंगे? गीत तो बहुत सारे हैं, मैं भोजपुरी फिल्मों की बात जरूर करना चाहूंगी और रमजान की बात मैं करना चाहूंगी। बिल्कुल, रमजान है, बिहार वासियों को झारखंड वासियों को रमजान की मुबारकबाद। आपके पास समय कितना है पता नहीं, मैं तो तैयारी करके आई हूँ कि मैं मुझे नबी जी को सलाम कहना मैं चाहूंगी। देखिए कल्पना जी, यहाँ मैं रोक रही हूँ आपको। दरअसल जो दर्शक इस वक्त टीवी देख रहे हैं या फिर जो आपको लाइव इस वक्त लोग देख रहे हैं तमाम माध्यमों से फरमाइश आ रही है, और इस बीच एक दर्शक ने ये फरमाइश किया है आपका वो गाना गवनवा ले जा, अगर आप गुनगुना दें तो उनकी फरमाइश भी पूरी हो जाए। बहुत सारे हैं, मैं गाऊंगी कभी। आपने जो गीत से अभी ऑन किया, शुरुआत किया था झुमका झुलनिया, मैं थोड़ा सा जी, क्योंकि मेरे पास उपलब्ध होना चाहिए, मैं थोड़ा सा वो झुमका झुलनिया हो हंसुली नथुनिया चाहे कजरा के धार, झुमका झुलनिया हो हंसुली नथुनिया चाहे कजरा के धार, तो हर एक मुस्कान हमर सोर हो सिंहार, राजा सोर हो सिंहार, तो हर एक मुस्कान हमर सोर हो सिंहार, राजा सोर हो सिंहार, तो हर एक मुस्कान हमर सोर हो सिंहार, राजा सोर हो सिंहार, तो हर एक मुस्कान हमर सोर हो सिंहार, राजा सोर हो सिंहार। चल लेके आ जा जी गबन वाले जा राजा जी, गबन वाले जा राजा जी, गबन वाले जा राजा जी, गबनवा 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 ले जा राजा जी, ले जा ना। तो
कल्पना जी, आपने वो गीत गुनगुनाया भी और हमने आपके चाहने वालों को वो गाना भी सुना दिया, वो दिखा दिया किस तरीके से वहां भी आपने परफॉर्म किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी बिहार झारखंड से वक्त देने के लिए और हमसे मुखातिब होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, चाहते तो यह है कि आपसे बात करते रहें लेकिन वक्त की पाबंदी है और कार्यक्रम को खत्म करना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लॉकडाउन है, आप सब इसका पालन करिए और देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार। नमस्कार। हमारे सोलह।